तोहफा दिवाली पर भी इन सफाई कर्मचारियों को दिया जा सकता था, इनको भी काली दिवाली इन्होंने मनानी पड़ी। हालांकि मुख्यमंत्री जी के भी यही शब्द है जो आप कह रहे हैं कि इनको कुछ लोग भड़का रहे थे, तो फिर मांगे आखिरकार क्यों मानी? देखिए, विपक्ष ने हमेशा मतलब ऐसे मुद्दों पर राजनीति की है, विपक्ष ने कभी भी सकारात्मक भूमिका नहीं निभाई है। देखिए, जो जायज मांगे उसको मानने में मुख्यमंत्री जी ने कभी नहीं कहा। हाला ये सफाई कर्मचारी हैं तो अपने परिवार के लोग हैं, और इस समय मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर के जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं वो हमारे साथ मौजूद है जगमोहन आनंद जी, उनसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ बताना चाहेंगे सर? सफाई कर्मचारियों ने मांगे जो उनकी थी सरकार ने मान ली है, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए थे, त्योहार गए गंदगी के ढेर लगे रहे, लेकिन इन्होंने भी काली दिवाली मनाई, और इस समय आप देख सकते हैं कि महर्षि वाल्मीकि चौक पर जश्न मना रहे हैं, जेल से रिहा होकर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? लंबा समय लग गया, 11 दिन लग गए इनकी मांगे मानने में, काफ़ी मतलब पूरे शहर की और पूरे हरियाणा की व्यवस्था, सफाई व्यवस्था चरमरा चुकी थी। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने शुरू से ही कहा, शुरू से ही वो उनका प्रयास था, उन्होंने बार बार अपील भी की, जो उनकी जायज मांगे थी मुख्यमंत्री जी ने पहले ही मान ली थी। एक आखिरी सवाल, लेकिन इस बार कम से कम 11 दिन कूड़े के ढेर लगे रहे, ना ही कोई राजनीतिक पार्टी का नुमाइंदा सड़कों पर उतरा झाड़ू लेकर का, ना ही कोई नेता उतरा, ना ही कार्यकर्ता उतरा, और ना ही सामाजिक संस्थाएं उतरी। वैसे तो खाली सड़कों पर जो है सफाई कर जो है फोटो खिंचवा ली जाती है, लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ 11 दिन पूरे ढेर लगे रहे कूड़े के, लेकिन कोई भी फोटो खिंचवाने वाला नहीं आया? देखिए कमल जी, आपकी बात ठीक है, लगातार मीडिया के माध्यम से हम लोग भी जागरूक रहे, हम लोग देखते रहे, लेकिन क्या कि जहाँ जो जो व्यक्ति है, सामाजिक कुछ सामाजिक संस्थाएं हैं जिनको हमने देखा कि वो इस प्रकार के अपना बाजारों में या वो कूड़ा इकट्ठा करके उन्होंने कूड़ेदान में डाला। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं जिस तरह से सफाई कर्मचारी जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, दिवाली मनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि दिवाली के त्यौहार पर काली दिवाली उन्होंने मनाई थी, और 11 दिनों से सफाई कर्मचारी पूरे हरियाणा के हड़ताल पर थे, लेकिन सरकार ने बीती रात उनकी मांगे मान ली है, जिसको लेकर आप देख सकते हैं 24 सफाई कर्मचारी जो है जेल से भी रिहा कर दिए गए, और इस समय मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर के जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं वो हमारे साथ मौजूद है जगमोहन आनंद जी, उनसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ बताना चाहेंगे सर? सफाई कर्मचारियों ने मांगे जो उनकी थी सरकार ने मान ली है, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए थे, त्योहार गए गंदगी के ढेर लगे रहे, लेकिन इन्होंने भी काली दिवाली मनाई, और इस समय आप देख सकते हैं कि महर्षि वाल्मीकि चौक पर जश्न मना रहे हैं, जेल से रिहा होकर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? लंबा समय लग गया, 11 दिन लग गए इनकी मांगे मानने में, काफ़ी मतलब पूरे शहर की और पूरे हरियाणा की व्यवस्था, सफाई व्यवस्था चरमरा चुकी थी। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने शुरू से ही कहा, शुरू से ही वो उनका प्रयास था, उन्होंने बार बार अपील भी की, जो उनकी जायज मांगे थी मुख्यमंत्री जी ने पहले ही मान ली थी, लेकिन जिस प्रकार से अब देखे समाज के अंदर, जिस प्रकार से शहरों के अंदर, जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर गंदगी के जो ढेर लगे हुए थे, कूड़े के जो ढेर लगे हुए थे, उससे कहीं ना कहीं गंदगी फैलने का डर था, कहीं ना कहीं बीमारियां फैलने का डर था, कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कोई बड़ी आपदा को वह रूप ना ले ले, उसी मद्देनज़र रखते हुए, और मुख्यमंत्री जी का जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, मुख्यमंत्री सबका भला सोचता है, मुख्यमंत्री जी का कोई इस प्रकार का रुख नहीं रहा कि भाई किसी को तंग करना है या बात करनी है, लेकिन जो जायज़ मांगे हैं, जो हित में हैं, उनको मान करके मुख्यमंत्री ने बड़ा दिल दिखाया। मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ, साथ में सभी सफाई कर्मचारियों का भी आभार प्रकट करता हूँ कि जिन्होंने आगे बढ़ करके इस प्रयास को सराहा और उन्होंने हड़ताल समाप्त की, और अब पूरे प्रदेश के अंदर सफाई करके जहाँ जहाँ कूड़े के ढेर लगे हुए थे उनको उसे जल्द ही लोगों को उससे निजात मिलेगी। सर, अच्छी बात है कि सरकार ने इनकी मांगे मानी है, नहीं तो बहुत लंबी हड़ताल चली जाती है और इतिहास के पिनों में ये हड़ताल जो है दर्ज हो जाती है। हालांकि दर्ज अब भी होगी क्योंकि 11 दिन लंबी हड़ताल कई सालों बाद हुई है, लेकिन आपको लगता है ना कि पहले मान लेनी चाहिए थी? सफाई कर्मचारी यूनियन नेताओं ने बताया कि पहले भी उनकी मीटिंग थी, लेकिन मंत्री साहब जो निकाय मंत्री हैं कमल गुप्ता जी, वो मीटिंग छोड़कर ही चले गए, इतना एटीट्यूड क्यों? नहीं, एटीट्यूड नहीं था, उसके अंदर कारण क्या था? देखिए, इसमें किसी की हार और जीत का सवाल नहीं है, कोई मीटिंग छोड़ने की बात नहीं है, हम सभी लोग जो उनसे समाज हित के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी हैं, चाहे वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो करनाल से विधायक भी हैं, उन्होंने यहाँ पर भी आकर के जब वो दिवाली के कार्यक्रम में आए थे तो तब भी उन्होंने अपील की थी। मुख्यमंत्री एक अपील के माध्यम से कर सकते हैं, उन्होंने प्रदेश के सभी लोगों से भी कहा था कि भी आप जो साधन हो सकता है, जहाँ जो वार्तालाप कर सकते हैं, वार्ता कर करके उनको काम पर लौटने की अपील करें, और मुझे कहता हूँ एक ये सफल प्रयास रहा, सार्थक प्रयास रहा कि मुख्यमंत्री जी ने की सब मांगे जो हैं, जो जायज़ मांगे हैं, वो सब मान ली हैं, और मुझे लगता नहीं है कि भी इस प्रकार का आगे कभी कोई दिक्कत आएगी। अब सभी सफाई कर्मचारी कह रहे हैं कि उन्होंने आज से जो है बीड़ा उठा लिया, अपनी ड्यूटी पर वापस लौट आए, और 3 दिन के अंदर शहर को चकाचक कर देंगे। देखिए, साधुवाद है उन सफाई कर्मचारियों का भी, जिन्होंने इतनी जिम्मेवारी से और इतने सफल प्रयास से इस प्रकार की वो बात कर रहे हैं कि ये 3 दिन के अंदर अंदर कूड़ा साफ करो, ये उनकी ड्यूटी है, मैं नहीं समझता, और मतलब इसमें किसी की हार और जीत का प्रश्न नहीं है। देखिए, सब लोग राष्ट्र हित के लिए काम करते हैं, समाज हित के लिए काम करते हैं, अपने जगह के लिए काम करते हैं, इसमें किसी का हार और जीत का प्रश्न नहीं है। एक मतलब एक संवैधानिक मतलब इन लोगों को जो संविधान ने एक अपना राइट देने के लिए बात की उसके तहत ये लोग हड़ताल पर गए थे,
और उस हड़ताल से कहीं किसी लोगों को जो जो परेशानी झेलनी पड़ी है उसके लिए भी मतलब हम मुख्यमंत्री जी की ओर से मतलब सब लोगों ने जो अपील की कि भी आप जब तक ये लोग सफाई कर्मचारी हड़ताल पर, आप सफाई कर्मी, इसमें कुछ लोग ऐसे तत्व थे जिन्होंने इसको गलत दिशा में मतलब भड़काने का और करने का प्रयास किया, लेकिन समय रहते हुए यूनियन के जो पदाधिकारी हैं, संगठन के जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने उन चीज़ों को भी कंट्रोल किया और आप मिलजुल कर जो ये सामूहिक प्रयास रहा उसका नतीजा आप सबके सामने। तोहफा दिवाली पर भी इन सफाई कर्मचारियों को दिया जा सकता था, इनको भी काली दिवाली इन्होंने मनानी पड़ी। हालांकि मुख्यमंत्री जी के भी यही शब्द है जो आप कह रहे हैं कि इनको कुछ लोग भड़का रहे थे, तो फिर मांगे आखिरकार क्यों मानी? देखिए, विपक्ष ने हमेशा मतलब ऐसे मुद्दों पर राजनीति की है, विपक्ष ने कभी भी सकारात्मक भूमिका नहीं निभाई है। देखिए, जो जायज मांगे उसको मानने में मुख्यमंत्री जी ने कभी नहीं कहा। हाला ये सफाई कर्मचारी हैं तो अपने परिवार के लोग ही, कोई बाहर से लोग तो आए नहीं हुए। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि भी काली दिवाली मनाने की, दिवाली के दिनों में मतलब जिस प्रकार से जब हम लोगों घरों की सफाई करते हैं, गंदगी मिटाते हैं, ऐसे मौके पर ऐसी बातें करना कहीं ना कहीं उचित नहीं था। मुख्यमंत्री कह रहे थे उसके बाद आप आ जाओ, उसके बाद हम बैठ करके बात करेंगे। इस मौके पर कम से कम जब लोगों को एक त्यौहार है, जैसे स्वच्छता का त्यौहार है दिवाली, तो उसमें अगर आप इस प्रकार का काम करेंगे तो कहीं ना कहीं राष्ट्रहित में इसका मैसेज गलत जाता है। लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब दोनों बातें, जो एक अपना दिवाली का पर्व है देव उठनी एकादशी तक चलता है और अभी दिवाली का पर्व सप्ताह से चल ही रहा है और अब बीच में ही ये इस प्रकार का जो प्रयास रहा है, मैं मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ और सभी सफाई कर्मचारियों का भी और मीडिया के सभी साथियों का भी, क्योंकि उन्होंने बैलेंस बना करके, आप सब लोगों ने बैलेंस बना करके, जहाँ वो गलत थे आपने उनको कवर किया, जहाँ कोई सरकार की कमी थी आपने उनको कवर किया। लगातार आप भी कूड़ों के ढेर के अंदर रहे और एक जागरूकता का जो अपील आप लोगों भी करते रहे कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति आए, जब तक सफाई नहीं है, कहीं कहीं जब कूड़ा उठाने वाले जो हमारे सफाई कर्मचारी भाई हैं, कहीं कहीं उपद्रव भी हुआ, लेकिन उसको भी आपने समझाने का प्रयास किया, तो मैं समझता हूँ ये सबके सामूहिक प्रयास रहे और इसके लिए मैं पूरी मीडिया का भी धन्यवाद। आखिरी सवाल, लेकिन इस बार कम से कम 11 दिन कूड़े के ढेर लगे रहे, ना ही कोई राजनीतिक पार्टी का नुमाइंदा सड़कों पर उतरा झाड़ू लेकर आए, ना ही कोई नेता उतरा, ना ही कार्यकर्ता उतरा और ना ही सामाजिक संस्थाएं उतरी। वैसे तो खाली सड़कों पर जो है सफाई कर जो है फोटो खिंचवा ली जाती है, लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ 11 दिन पूरे ढेर लगे रहे कूड़े के, लेकिन कोई भी फोटो खिंचवाने वाला नहीं आया? देखिए कमल जी, आपकी बात ठीक है, लगातार मीडिया के माध्यम से हम लोग भी जागरूक रहे, हम लोग देखते रहे, लेकिन क्या कि जहाँ जो जो व्यक्ति है, सामाजिक कुछ सामाजिक संस्थाएं हैं जिनको हमने देखा कि वो इस प्रकार के अपना बाजारों में या वो कूड़ा इकट्ठा करके उन्होंने कूड़ेदान में डाला, लेकिन मैंने बताया कि जिस प्रकार से विपक्ष के लोगों ने कुछ लोगों को भड़का रखा था और जो कई कई जगह देखा आपने पथराव भी हुआ, कई कई जगह कूड़ा उसको उन्होंने उठाने नहीं दिया, तो इस तरह की टकराव की परिस्थिति ना हो, उस टकराव को बचने के लिए लोग आगे नहीं आए, ताकि क्या है कि भी इससे समाज का जो ताना बना है वो टूटने का भय था, लेकिन फिर भी एक ईमानदारी के साथ सबने सामूहिक प्रयास किया, नतीजा आपके सामने। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, शुक्रिया कि आप कनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ लाइव बातचीत में जुड़े, लेकिन आप देख सकते हैं कि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो चुकी है, हरियाणा भर के लोगों को राहत मिली है, क्योंकि लंबी हड़ताल चली, 11 दिन लंबी हड़ताल चली, दिवाली और दूसरे त्यौहार थे, कूड़े के ढेर जगह जगह लगे रहे, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने जो मांगे इनकी पहले मान लेनी चाहिए थी, वो देर आकर मानी है, लेकिन कहीं ना कहीं अब सफाई कर्मचारियों की रिहाई हुई है और देर रात रिहाई होने के बाद किस तरह से महर्षि वाल्मीकि चौक पर वे मथा टेकते हुए नजर आ रहे थे, और इस समय बातचीत हम कर रहे थे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के, जो मीडिया कोऑर्डिनेटर है जगमोहन आनंद। हमारी आपसे से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मीडिया करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ करनाल।